नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फ्री बिजनेस हेल्प में आपका। दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने RGL कंपनी के बारे में बताया था कि कैसे कंपनी काम करती है, पेट्रोल डीजल के ऊपर डिस्काउंट देती है और डिस्काउंट भी 1% से 50% तक उस पर मिल रहा था। तो आज एक साल के बाद में मैं दोबारा कंपनी में जा रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें कंपनी में चेंज हुई है, क्या नई चीज़ें आई हैं, उन सब पे हम इंटरव्यू करेंगे कंपनी का और बात करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या नई स्कीमें आई हैं या कुछ नया चेंजेस आया है या कोई नई चीज़ें आपके लिए क्या आई है, उस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और देखेंगे कंपनी में कितनी ग्रोथ हुई है, क्या हुई है। दोस्तों वैसे तो मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे है, लेकिन आज जाके हम देख भी लेते हैं, प्लान क्या चल रहे हैं वो भी हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं कंपनी में और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट आती है, सरकारी योजनाएं आती है, उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं कंपनी में क्या चल रहा है और बात करते हैं कंपनी के ओनर से, क्या वो कहते हैं, क्या उसमें चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं RGL कंपनी में और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर सर से, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है चेंज हुई है, क्या नई चीज़ें आई हैं, उन सब पे बात करेंगे और यहाँ देखेंगे कि क्या कुछ नया सेटअप हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू किया था उस टाइम पे कंपनी का जो 3rd एनिवर्सरी चल रही थी, मतलब 3rd एनिवर्सरी आने वाली थी, तो अभी 4 साल पूरे होने वाले हैं कंपनी को और इन 4 सालों में हम देखेंगे क्या कुछ बदला है, क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या यहाँ पे नए स्कीम्स आए हैं, नए प्लान्स आए हैं, उन पर सब पे बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी चेंजेस जैसे कि मुझे बताए गए हैं, मैंने डायरेक्टर सर से बात की है, आपको इंटरव्यू भी दिखाऊंगा और उसमें भी हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ नया उसमें स्टार्ट हुआ है और इसके अलावा प्लान्स में कुछ चेंजेस आए हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ नया पोर्टल है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पोर्टल और स्टार्ट करते हैं उन सब चीज़ों पे और देखते हैं कि डायरेक्टर सर से मिलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्टर सर क्या कुछ इसके बारे में बोल रहे हैं और क्या कुछ नई चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं डायरेक्टर सर के ऑफिस में और बात करेंगे जो प्लान्स हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें क्या इंटरव्यू हुआ था वो सारा आप देख सकते हैं। हमारे साथ हैं RGL के डायरेक्टर सुनील जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू सर, आपका और बहुत आपको बधाई देना चाहूँगा सर, आपका जो पिछला इंटरव्यू हमने किया था उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, कंपनी का जो इंटरव्यू किया था मैंने उसको काफ़ी पसंद किया गया लोगों की तरफ से। और दोस्तों आज का जो वीडियो है इस पर लाइक का टारगेट है 50,000, 50,000 लाइक मुझे आज के वीडियो पे चाहिए। पिछले वीडियो का जो टारगेट था वो 50,000 का आप पूरा कर चुके हैं, उसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूँ। सर ये बताइए कि अभी कंपनी में जो है क्या कुछ प्लान्स चल रहे हैं और पिछला जो प्लान था उसके ऊपर क्या चल रहा है, जो पेट्रोल के ऊपर 1% से 50% तक का डिस्काउंट इस तरह का प्लान था वो क्या था सर, पहले तो वो बता दीजिए और अभी नया क्या है वो भी बताइए। बिल्कुल, जो हमारा पीछे वाला जो चल रहा है सर 1% से लेकर 50% तक हम कैशबैक देते थे जी पेट्रोल और डीजल पे, वो तो हमारा चल ही रहा है। उसके अलावा जो नया हम लेके आए हैं तो उसमें क्या है सर, जैसे हमारा 2500 रुपये का RGL स्मार्ट कार्ड है, ये थोड़ा कार्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा जी, कि थोड़ा सा हमारे जो नए व्यूअर है उनको पता लग जाएगा, हमारे जो पुराने व्यूअर है उनको तो पता ही है। खैर इसमें क्या है, जैसे हमारे पास ये है एक RGL स्मार्ट कार्ड के नाम से एक कार्ड बनाते हैं, ये क्या होता है एक डिस्काउंट कार्ड है। इसमें क्या करते हैं हम, हमारे टाइप होते हैं जैसे हॉस्पिटल है, होटल है, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, PG, मैस, इस तरीके के 25 से 30 सेक्टर हैं अलग अलग। वहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये कोई भी मतलब कस्टमर कार्ड लेके जाता है तो वहाँ 10% से लेकर 50% उसको डिस्काउंट मिलता है। और रही पेट्रोल डीजल की बात, वहाँ पे 1% से लेकर 50% तक मिलता है, यानी 1% तो गारंटेड मिलता ही मिलता है पेट्रोल डीजल पे कस्टमर को। और अब नया हम क्या लेके आए हैं, नया जैसे पहले तो ये सुविधा हमारा कस्टमर ले रहा था 5 साल के लिए, हम कार्ड देते थे 5 साल की इसकी वैलिडिटी है, फैमिली के 7 मेंबर तक इसको यूज कर सकते हैं कार्ड को। अब नया क्या है, जैसे ये आप किसी हमारे कस्टमर ने कार्ड परचेज किया तो हम क्या है एक वॉलेट बना रखा है हमने, ठीक है, तो 2500 के बदले उसको 2500 पॉइंट देते हैं हम ई शॉपिंग करने के लिए, कि RGL ई शॉपिंग पोर्टल है हमारा, वहाँ पे जाके 2500 के वो परचेज भी कर सकता है। तो दोस्तों जो शॉपिंग का पोर्टल है उसको मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप शॉपिंग पोर्टल पर जा सकते हैं और किसी भी तरह के आपको जो परचेजिंग है, जैसे कि आपने 2500 रुपये का आपने परचेज किया
25वां कार्ड लिया तो उसमें 2500 का आप उसमें परचेज भी करेंगे, यानी कि जितना पैसा आपने कार्ड पे लगाया है वो पैसा आपको रिटर्न उसी टाइम मिल जाएगा। और इसके अलावा जो सर डिस्काउंट है वो भी उसमें सारे डिस्काउंट तो मिलता रहेगा सर। डिस्काउंट दिखाने से आपको ऑन द स्पॉट मतलब वहाँ तो आते वक्त आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ई शॉपिंग पोर्टल है वहाँ पे जाके आप जैसे परचेज करते हैं तो वहाँ पे 10% तो आपको उसमें से कटता रहेगा, बाकी 90% आपको पे करना पड़ेगा। ओके तो अभी कहाँ कहाँ पे अपने जो है फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो चुकी है और किस किस डिस्ट्रिक्ट में या किस किस स्टेट में जो कस्टमर्स हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो हमारी अभी फ्रेंचाइजी वो काफ़ी जगह खुल चुकी है, कई स्टेट के अंदर हमारे मतलब है ऑफिस भी खुल चुके हैं और कई स्टेट के अंदर हमारे टाई अप भी हैं। लेकिन अब क्या है सर, कंपनी ये चाह रही है कि पूरे इंडिया में अपना बिजनेस फैलाए। जो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल आपको कि जो हमारे ऑफिस है वो जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, जैसे हरियाणा में तो हम बैठे हैं, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है। इस तरीके से कई स्टेटों में हमारे ऑफिस खुल चुके हैं और आने वाले टाइम के अंदर कंपनी पूरे इंडिया में अपने ऑफिस खोलना चाहती है, इसलिए कंपनी फ्रेंचाइजी भी देती है हमारे कस्टमर को। सर कोई भी कस्टमर है, कोई जो कोई भी आम आदमी है वो फ्रेंचाइजी कंपनी की क्यों ले? सर क्यों फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमारा कस्टमर है उसको तो हम देखो डिस्काउंट दिलाते हैं, उसका तो बेनिफिट होता ही होता है जी। लेकिन जो हमारी फ्रेंचाइजी लेता है उसको भी काफ़ी बेनिफिट होता है, वो अच्छी इनकम कमा सकता है अगर वो रेगुलर काम करता है हमारी फ्रेंचाइजी लेके। किसी डिस्ट्रिक्ट की किसी ने अगर फ्रेंचाइजी तो लगभग अगर नॉर्मल भी वो काम करता है तो 3 से 4 लाख रुपये मंथली वो कमा सकता है। ओके और फ्रेंचाइजी फीस कितनी है सर? सर फ्रेंचाइजी फीस अलग अलग होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है, तहसील की अलग होती है, वो सर अलग होती है। तो कितनी कितनी है, डिस्ट्रिक्ट की क्या है, स्टेट की क्या है? और सर उसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट की चाहिए तो उसमें हमारा 425 कार्ड का ऑर्डर लगता है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो 425 कार्ड की कस्टमर को पेमेंट करनी होती है। और अगर तहसील की कोई लेना चाहता है तो वहाँ पे तहसील में सर हमारे हैं जो 200 कार्ड की मतलब कोई लेता है तो उसको हम 200 कार्ड के लिए फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ओके वो अपने अंडर में टीम बनाए। हाँ टीम बना के फिर आगे काम कर सकते हैं। ओके तो जो स्टेट की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या जो डिस्ट्रिक्ट की ले रहे हैं वो अपने नीचे फ्रेंचाइजी दे सकते हैं? बिल्कुल सर, इसका थोड़ा रेट का डिफरेंस होता है, कुछ कमीशन का भी डिफरेंस होता है। ओके हाँ जी, मतलब प्रॉफिट जो रहता है स्टेट जो जितनी बड़ी फ्रेंचाइजी लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा सर उसको। तो दोस्तों अपने नीचे जो टीम है वो रख के काम कर सकते हैं। और सर अभी लेटेस्ट जो स्कीम है क्या कुछ आई है वो भी थोड़ा बता दीजिए। लेटेस्ट तो सर यही आई है कि शॉपिंग पोर्टल आया है हमारा जिसमें 3 से 4 हज़ार प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है। और ई वॉलेट में हम कस्टमर को जैसे 2500 रुपये कस्टमर ने दिया, 2500 हम ई वॉलेट में उसको पैसा भी दे रहे हैं और प्लस में 5 साल के लिए कार्ड भी यूज़ कर सकता है। कार्ड में कहाँ कहाँ बेनिफिट उठा पाएंगे और कितने कितने परसेंट रहता है? देखो कार्ड के अंदर जैसे मैंने बताया था कि हॉस्पिटल है, होटल है, इस तरीके से, और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं कहाँ कहाँ आप, तो वो हमारी ऐप है, ऐप के अंदर जाके आप दे सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ हमारे टाई अप है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट के अंदर, वो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा सारा। दोस्तों ये थी जानकारी कैसे आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी एरिया में फ्रेंचाइजी नहीं है, तो उसके बारे में सर थोड़ा बता दीजिए कि कोई कस्टमर ऐसा है जहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं है लेकिन वो कार्ड परचेज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? बिल्कुल कार्ड ले सकता है, लेकिन हमारा क्या होता है पहले हम फ्रेंचाइजी देते हैं कस्टमर को, उसके बाद हमारी टीम जाती है वहाँ टाई अप करने के लिए। अगर कोई कस्टमर जहाँ हमारी फ्रेंचाइजी नहीं गई हुई है वहाँ कार्ड परचेज करना चाहता है तो वहाँ पे सिर्फ वो पेट्रोल डीजल पे डिस्काउंट ले सकता है, या पैन इंडिया के हमारे टाई अप है, अपोलो फार्मा है वहाँ पे हमारा टाई अप है तो उनसे मतलब वहाँ डिस्काउंट ले सकते हैं। अपोलो फार्मा में कितना डिस्काउंट मिलता है सर? अपोलो फार्मा में 10% है सर। 10%? हाँ जी। तो दोस्तों अपोलो फार्मा के जहाँ तक मुझे पता है ऑल इंडिया के अंदर अपोलो फार्मा के मेडिकल रहते हैं, वहाँ पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल का आपका परमानेंट है तो आप अगर सीधा कार्ड परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको ऑप्शन है जो मिलता है दूसरा वो है फ्रेंचाइजी का, तो फ्रेंचाइजी लेकर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सर फीस जैसे किसी ने स्टेट की ली है तो उसमें अमाउंट कितना रहेगा ऑर्डर का? सर अमाउंट अलग अलग है, ऐसा नहीं अलग अलग रहता है। हाँ ऐसा है कि भाई कार्ड के हिसाब से जो कार्ड के हिसाब से होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितनी मतलब सपोज करो भाई आपने फ्रेंचाइजी ली कहीं की तो आपके 5 लाख रुपए हो गए तो 5 लाख इकट्ठे देने हैं, वो 2 पार्ट में आप दे सकते हो, इस तरीके से अलग अलग होता है जी। तो दोस्तों ये थी जानकारी और जो आपके सवाल थे, कुछ काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे और इसके अलावा मैंने
उनमें से सवाल लिए हैं। इसके अलावा कुछ फ्रेंचाइजीज हैं, उनसे ही बात की है, तो जिन्होंने काम कर रहे हैं वो तो काफ़ी लंबे टाइम से कर ही रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अगर आप किसी भी फ्रेंचाइजी से कॉन्टैक्ट करके फीडबैक लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। फ्रेंचाइजीज की आपको लिस्ट मिल जाएगी, उनके कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे कि वो रियल में क्या इनकम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब आपको सेटिस्फेक्शन होगी प्रोडक्ट पे, तभी आपको उस चीज़ में फर्दर आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स से ही फीडबैक मिलता है जो रियल टाइम में कर रहे हैं काम। जैसा मुझे फीडबैक मिला, पॉजिटिव फीडबैक मिला, जो लोग काम कर रहे हैं उनका अच्छा काम चल रहा है। आपको लेना चाहते हैं, आप सीधा कंपनी में कॉल कीजिए कि आपकी इस राज्य में जो फ्रेंचाइजी है उनसे आप बात कर लीजिए, किसी भी तरह का फीडबैक चाहिए वो ले लीजिए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कोई भी इंक्वायरी है, वीडियो की स्क्रीन पर मैं नंबर दे रहा हूँ, सर से सीधा कॉन्टैक्ट कीजिए। मुझे कमेंट करेंगे, मैं सर को पूछूंगा या ऑफिस में पूछूंगा, तो उससे अच्छा सीधा ऑफिस के नंबर पर आप कॉल कीजिए, कोई इंक्वायरी है उसको सॉल्व कर लीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक का टारगेट याद रखिए दोस्तों, 50,000 लाइक मुझे इस वीडियो पे चाहिए। और मिलते हैं नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।